चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। आज यहां पे हमारे द्वारा प्रमुख रूप से आपसे बातचीत किया जाएगा पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा पर। और हम ये आज की क्लास में हम प्रमुख रूप से ये देखेंगे कि एक बालक जब सर्वप्रथम आपकी कक्षा में आता है तो एक शिक्षक को बालक के किस पक्ष को प्रभावित करते हुए सर्वप्रथम शिक्षण का कार्य करना चाहिए और अंत में जाते समय तक बालक में क्या क्या व्यवहार परिवर्तन क्रमिक ढंग से करना चाहिए, ये यहाँ से संबंधित आपको आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्त ये बात ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो समझ वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिचुएशन अर्थात परिस्थितियां बना करके इसी हेडिंग से पूछे जाते हैं जिसका नाम है क्या हमारा पर्यावरण शिक्षा। तो अगर हम पर्यावरण शिक्षा की बात करते हैं तो पर्यावरण शिक्षा में हम तीन पक्षों का बालक के अध्ययन करते हैं। एक हम किसका, बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का, दूसरे नंबर पे यहाँ देखें भावात्मक पक्ष का और तीसरे नंबर पर हम यहाँ देखें तो क्रियात्मक। तो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अब चलिए तीनों पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और आपको हम क्रमानुसार बताते हैं कि किस प्रकार से शिक्षण अधिगम की दिशा में आपको बच्चे को लेकर के आगे जाना है। जब आपकी कक्षा में सर्वप्रथम बालक आए तो आपका एक शिक्षक के तौर पर दायित्व होता है कि आप बालक के सर्वप्रथम ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करें। ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब सीधा होता है कि जहां पर बालक विषय वस्तुओं को सर्वप्रथम क्या करता है, ग्रहण करता है, या बालक सर्वप्रथम अपने परिवेश की विषय वस्तुओं को क्या करता है, पहचानता है। अब ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम बालक किसी भी, अब देखिए एक बात और कि ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन सदैव किया जाता है किस स्तर पर, स्मृति स्तर पर, अर्थात जहां से बालक विषय वस्तुओं को अपने स्मृति में ले जाकर के रखता है। क्योंकि जब बालक किसी भी चीज को पहचानेगा, उसे ग्रहण करेगा, तो उसे ले जाकर के रखेगा कहां, स्मृति स्तर पर। जैसे ये ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों में सीखने की क्रिया भी कुछ इसी प्रकार से होती है। जैसे आपके घर में एक छोटा नन्हा सा बालक है, आप सर्वप्रथम उस बालक को बताए कि ये देखो तुम्हारी बुआ है, आप रोज बताते हैं ये देखो कौन है, तुम्हारी बुआ है। तो बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, उस चेहरे को बुआ के नाम से पहचानता है और बुआ के नाम से उनकी आकृति अपने स्मृति में क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अब जब कुछ दिन बाद उसकी बड़ी बहन आती है तो आप कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी बुआ, बच्चा कहता है नहीं हमारी बुआ कौन है, हमारी बुआ ये। क्यों? क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम आप उसका जिसे पहचान कराए थे वो उस चेहरे को अपने स्मृति के आधार पर ग्रहण कर लिया था। बच्चे के अंदर प्रारंभिक स्तर पर समझ नहीं होती है, इसलिए आपको सर्वप्रथम बच्चे को समझ वाली क्रियाओं के अंतर्गत नहीं लेके जाना है, बल्कि बालक के स्मृति स्तर को प्रभावित करते हुए बच्चे को पहचानने, ग्रहण करने, सीखने के लिए इस आधार पर प्रेरित करना चाहिए जिससे बालक आसानी से शिक्षण की दिशा में आगे की ओर बढ़ता चला जाए। तो अब देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या सिखाना है, आपको बालक को पहचानना सिखाना है, पहचानना सिखाना है। पहचानने के साथ साथ आपको क्या करना है, बच्चे को ग्रहण करना सिखाना है, ग्रहण करना सिखाना है। और ग्रहण करने सिखाने के साथ साथ आपको एक और कार्य करना है, क्या, बच्चे को पुनः प्रदर्शित करना सिखाना है। पुनः क्या करना, प्रदर्शित करना। अब देखिए एक शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण का कार्य प्रारंभ करे तो उसे सर्वप्रथम बालक के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षण का कार्य करना है और इस दौरान बच्चे के स्मृति स्तर को प्रभावित करते हुए बालक को उसके परिवेश की वस्तुओं को पहचानना, उनका जैसे नाम बताना,
ये सब चीज़ों को सिखाना चाहिए या आप नाम बताएं बच्चों को, तो बच्चा इस स्तर पर जिसे पहचानता है, जिसका नाम जानता है, उसको अपने स्मृति में ले जाकर के धारण करता है। और आपको पुनः प्रेरित करना चाहिए बच्चे को कि बच्चा वो सीखे गए ज्ञान को, सीखे गए भाव को वो पुनः क्या करे, प्रदर्शित करे। जब स्मृति स्तर पर एक शिक्षक बालक में परिपक्वता प्रदान कर दे, जब वो बालक को यहाँ पे ग्रहण पहचानना, ग्रहण करना, पुनः प्रदर्शित करने की क्रिया में निरंतर आगे बढ़ाते हुए बालक को परिपक्वता के क्रम तक पहुँचा दे, तब शिक्षक का दायित्व होता है कि वह दूसरे स्तर पर आए। और दूसरा स्तर होता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष दो प्रकार का होता है। भावात्मक पक्ष में सबसे पहले होता है समझ प्रदान करना। क्या करना? समझ प्रदान करना। अब ध्यान दीजिएगा, समझ प्रदान करना क्या होता है कि एक शिक्षक को चाहिए कि वो बालक के अब समझ वाले, मतलब अब यहां से बच्चे को वर्ग, जब पहचान लिया है तो चाहिए कि बच्चे को अब वर्गीकरण करना सिखाए, वर्गीकरण करना, आप बच्चे को तुलना करना सिखाइए, इन प्रकार के यहाँ पे भाव सिखाएंगे, तो ये हमारा धीरे धीरे समझ की ओर आगे बढ़ता है। और इसके साथ ही साथ एक शिक्षक को चाहिए कि वह भावात्मक कौशल को भी बालक को सिखाए। भावात्मक कौशल क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रेम हो गया, प्रेम, दया, घृणा, प्रेम, दया, घृणा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार के भावों में बालक को परिपक्व करे कि जैसे बालक को कब प्रेम, दया, घृणा को न आने पाए, ईर्ष्या न आने पाए, और उसके बाद जैसे समानता के भाव हो गए। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब आप ज्ञानात्मक पक्ष से प्रभावित कर लें, तब आपको चाहिए कि बालक को भावात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए बालक में समझ, वर्गीकरण, तुलना, अब बच्चा अपने से जो उदाहरण दे ले, ये इस प्रकार से आप दोनों स्तर पर परिपक्व करते हुए बालक को आप तैयार करें। जब शिक्षक ज्ञानात्मक और भावात्मक, जब शिक्षक ज्ञानात्मक भावात्मक दोनों पक्षों को बालक के प्रभावित कर ले और दोनों पक्षों में बालक के परिपक्वता प्राप्त कर ले, तब शिक्षक का दायित्व होता है कि वो बालक के तीसरे पक्ष में आए। और तीसरा पक्ष होता है कौन सा पक्ष? क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में बालक को क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक पक्ष में बालक को गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। गतिविधियों में शामिल करना कैसे? जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप बालक को खेल, आप बालक को व्यायाम, आप बालक को पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, आप बालक को नाटक, मंचन, अभिनय करना, ये इस प्रकार के अब कौशलों में परिपक्व करना चाहिए। और ये सभी हमारे कौशल कैसे होते हैं? क्रियात्मक होते हैं, मतलब इसमें बालक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। जैसे खेल खेल में सीखता है, बालक व्यायाम करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सीखता है, पर्यावरण संरक्षण मतलब आसपास के वातावरण, पर्यावरण का रख रखाव करना सीखता है। इस रख रखाव करने के सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ शिक्षा से संबंधित नाटक का मंचन करता है, ये इस प्रकार के भाव प्रदर्शित करता है। तो जब आप एक शिक्षक के तौर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का कार्य करें, तो सर्वप्रथम आप बालक के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करें, फिर बालक के भावात्मक पक्ष को, और अंत में क्रियात्मक पक्ष को प्रभावित करें। और अगर आप क्रमगत बालक के व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो बालक शिक्षण अधिगम की दिशा में आपके साथ जुड़ करके आसानी से सीखता चला जाएगा और आपका किया गया शिक्षण अधिगम सदैव प्रभावी होगा। तो दोस्त, यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से आपसे बातचीत कर रहे थे, हम यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ हम पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।